एकों का सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जप आदि सत युगाद सत है भी सच नानक हो सी भी सच आदि सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बाज बेनती चौपाई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय सुनरी है पूरन होए हमारी आशा तो पद्म की रह के आशा तुम्हें चार
साथ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊं आप हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का त्रास वरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल काए ब्रह्मा बतरा काल काए शिवजु अवतरा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूतियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात गचन उपजायो नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी कट कट के अंतर की जानत कले बुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब उधर करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी भूल उचार है निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग ताको कर कान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जानता ठाकुर तुम शरणाया ठाकुर तुम शरणाया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाया ठाकुर तुम शरणाया I know.
फिरता जानी अनबोलत मेरी बिरता जानी अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरण आया ठाकुर तुम शरण आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरण आया ठाकुर तुम शरण आया अनबोलत मेरी बिरता जानी अनबोलत मेरी बिरता जानी अपना अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख सहज समाए आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरण आया ठाकुर तुम शरण आया वहां पकड़ कट लीने अपने वहां पकड़ कट लीने अपने गृह बंधन काटे बिशरत आन मिलाया ठाकुर तुम शरण आया ठाकुर तुम शरण आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरण आया ठाकुर तुम शरण आया वहां पकड़ कट लीने लीने अपने गृह अंधकूप ते माया अंधकूप ते माया कहो नानक गुरु बंधन काटे बिशरत आन मिलाया ठाकुर तुम शरण आया।
रहिया प्रभु के पेक पेक नानक बिगसाए सब मेरा रहिया नानक बिगसाए नानक बिगसाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक भगत रविदास जी जो चमियार का काम करते हैं भगत रविदास जी अति की गरीबी झोंपड़ी टूटी फूटी झोंपड़ी बाहर दुकान वही दुकान वही मकान जूते बनाते हैं घर से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक टूटी हुई चप्पलें ठीक करते हैं लोगों की एक सेठ वहां से गुजरता है रोज उसे तरस आता है कि ये भगत है इसके पास तो बहुत धन होना चाहिए घर से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक सेवा करने का मन करता है एक दिन बहुत सारा सोना लेकर पहुंच गया घर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक सोना लेकर पहुंच गया कहने लगा भगत रविदास जी इस सोने को कबूल कीजिए और घर में सारे पदार्थ लेकर आइए सुख का जीवन व्यतीत कीजिए भगत रविदास जी सिमरन में जुड़े हुए हैं सेठ को इशारा किया के छत पे रख दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक झोंपड़ी की छत पे रख दे काफी समय बाद महीनों बाद सेठ जब वहां से गुजरा तो देखा फिर से वही झोंपड़ी और भगत रविदास जी वो काम कर रहे हैं चप्पले बनाने का प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बड़ा हैरान हुआ भगत रविदास जी के पास जाके पूछा उस जो सोना मैंने दिया था उसका क्या किया आपने भगत रविदास जी सिमरन कर रहे हैं इशारा कर रहे हैं छत पे देख जहां पर रख के गया था वहीं पर पड़ा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये क्या अवस्था है सात संगत जी ये कौन सी अवस्था है कि जिसमें माया मोती ही नहीं धन प्यारा ही नहीं लगता भगत नामदेव जी के उस्तत सारे राज्य में होने लगे इतनी कमाई बढ़ गई भगत नामदेव जी की कि दर्शन करने वालों की लाइन लगी रहती घर के बाहर उस राज्य में एक सबसे बड़ा सेठ धनी इस बात से चिढ़ता है उसे दुख होता है कि सबसे धनवान मैं हूं बड़ा मैं हूं लोग मेरे पास आने चाहिए इस भगत के पास जाते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हमेशा विचार करता रहता है क्या करूं कि लोग वहां से टूटे मेरे साथ जुड़े तो उसके साथ जो कुछ लोग रहते हैं वो उसे समझाते हैं कि आप बहुत दान करो लोग धन दान करते हैं कपड़े दान करते हैं आप सोना दान करो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आपका सारे राज्य में नाम हो जाएगा
और एक तरीका बताते हैं आपको सेठ जी, भगत नामदेव जी के पास जाइए और कहिए मैं सोना बांटूंगा फलाने दिन, शुरुआत आपसे करूंगा। अगर आपने सोना नहीं लिया दान मुझसे तो मैं किसी गरीब को भी नहीं दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भगत नामदेव जी गरीबों को बहुत प्यार करते हैं, उनकी खातिर वो आ जाएंगे, और अगर वो लाइन में आकर खड़े हो गए तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ पहुंच गया भगत नामदेव जी के पास, सारी बात बताई, भगत नामदेव जी सब समझ गए, पर निम्रता से कहने लगे ठीक है सेठ जी हम आएंगे, सोना दान लेने आएंगे। सेठ बहुत खुश हो गया। दान वाले दिन भगत नामदेव जी पहुंच गए, सारा गांव इकट्ठा है देखने के लिए कि क्या होता है, नामदेव जी सोना मांगने चले गए। भगत, उन्हें क्या मतलब है सोने से, सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब सेठ बैठा है सोना रखकर, जितना उसके पास ज्यादा से ज्यादा है, और कहने लगा नामदेव जी से कितना दूं कितना तोलूं, तकड़ी पकड़ के रखी है। नामदेव जी कहने लगे भाई जितना तेरा दिल करता है दे दे। सेठ कहने लगा नहीं आप बताओ आपको कितना चाहिए मैं उतना दूंगा। नामदेव जी ने दूसरी बार कहा भाई तेरी जितनी श्रद्धा है दे दे। पर सेठ कहने लगा नहीं आप बताओ कितना चाहिए, अहंकार अपने धन का। भगत नामदेव जी ने अपने जेब में से एक पत्ता निकाला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुलसी का पत्ता, और कहने लगे इसे तकड़ी पर रख दे और इसके बराबर का सोना दे दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सेठ ने एक तरफ पत्ता रखा, मुस्कुरा पड़ा इतना सा सोना, और जब दूसरी तरफ सोना रखा पत्ते वाला हिस्सा भारी नीचे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हुआ, तकड़ी चेक करने लगा, फिर से और सोना रखा, हल्का सा पत्ता तुलसी का पलड़ा भारी, जितना सोना था सारा रख दिया, सारा गांव देख रहा है, सेठ शर्मिंदा हो रहा है। सेठ कहने लगा नामदेव जी बताइए तो सही कि क्या है इस पत्ते में। कहने लगे देख ले उठाकर, उस पे लिखा था राम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने लगे तो सोने से मुझे खरीदने चला था, मन दे राम लिया है मोल, कंचन से पाई नहीं तोल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन सी अवस्था है सात संगत जी, इस शब्द के साथ इसका भाव जुड़ा है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाए, कैसी अवस्था है कि जितने भी भगत हुए हैं उनके आगे लोगों ने धन के ढेर लगाए हैं पर उनके मन में लालच नहीं आती, ये क्या अवस्था है। इसका भेद जन्म साखी में गुरु नानक पातशाह ने खोला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक पातशाह ने इसका भेद बताया। आइए दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाए, सगल सा
बिसर गई सब काट पराए। गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी से कहा आंखें बंद करो। जब आंखें खोली मर्दाना देखकर दंग रह गया कि जहां पर खड़े हैं वहां पर सारी धरती सोने की। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहाड़ सोने के, हर चीज सोने के, और वहां पर ऐसे दुर्लभ फल लगे हुए हैं जिनमें से रस बह रहा है। भाई मर्दाना जी ने सवाल पूछा, पाछा ये कौन सा स्थान है? तो मेरे धन गुरु नानक सच्चे पाछा ने जवाब दिया, कहने लगे साधु की संगत कर करके, नाम जप जप के, अमृत वेले उठ के, जिसकी ये अवस्था बन जाती है कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आए। जिसकी ये अवस्था बन जाती है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ये कैसी अवस्था है साध संगत जी? बहुत ही ऊंची अवस्था है। महापुरुष वचन किया करते थे, ये महापुरुषों में से महापुरुष होते हैं जिसकी ये अवस्था होती है, करोड़ों महापुरुषों में से एक महापुरुष की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूर्ण महापुरुष। कैसी अवस्था? क्या उसे हर एक में निरंकार ही दिखाई देता है? हर एक में उसे फर्क करना ही नहीं आता अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ना को बैरी नहीं बेगाना, कोई बेगाना ही नहीं, कोई शत्रु ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कहने लगे भगत इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं, तब उनकी सुरती से अपनी शक्ति से निरंकार उन्हें यहाँ पर पहुंचा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भगत जन जब समाधि में लीन होते हैं तो इस स्थान पर होते हैं जहां पर सारी धरती सारे पहाड़ सोने के, और जहां पर ये दुर्लभ फल लगे हैं इस फल का रस वो पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए उन्हें मस्ती में रहते हैं वो लोग, इसलिए धन उनको मोह नहीं पाता। अरे जिसने अपने पैरों के नीचे सोने की धरती देखी हो, सोने के पहाड़ देखे हों, उन्हें कितना धन मोह लेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या धन मोह लेगा उन्हें? ये अवस्था के बाद गुरु नानक पातशाह के वचन भगत जन वहां पर विचरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी ऊंची अवस्था कि ना को बैरी नहीं बिगाना। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, माना कि हमारी अवस्था इतनी ऊंची नहीं हो सकती, पर चलने की कोशिश तो करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक के सिख हैं हम। ठीक है अपने बच्चे और पराए बच्चे को एक जैसा हम नहीं समझ सकते, ठीक है, ये महापुरुषों के वचन है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है हम अपने बच्चों और पराए बच्चों को एक जैसा नहीं समझ सकते, हमारी अवस्था हो ही नहीं सकती, अपना बच्चा अपना होता है हमारे लिए। पर कम से कम महापुरुष वचन किया करते थे, जो घर में बहू बनकर आई है उसे बेटी तो समझ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम इतनी अवस्था तो हो जाए, 10% 5% तो चल पड़े, गुरु को अरदास करें। इस शब्द की एक एक पंक्ति में यही अर्थ है कि बिसर गई सब तात पराई, जब से मैंने साधु की संगत पाई मेरे अंदर से ये बेगानापन चला गया, और अगर अभी तक नहीं गया तो हमारे में कहीं ना कहीं कोई कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मांगना किससे है? गुरु नानक से। आओ सब मिलकर मांगे। सब में रब रहे प्रभु के पेक पेक नानक बिगसाए,
गए सब तात पराए बिसर गए सब तात पराए जब ते साथ संगत मोह पाई बिसर गए सब तात पराए बिसर गए सब तात पराए जब ते साथ संगत मोह पाई बिसर गई सब तात पराए बिसर गई सब तात पराए तात पराए बिसर गई सब तात पराए जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई सब एक तेरा होना बाकी मैं सबदा होके देख लूं एक तेरा होना बाकी है सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं अपना सब कुछ खो बैठा मैं अपना सब कुछ खो बैठा बस आपा कोमा बाकी है मैं अपना सब कुछ खो बैठा बस आपा कोमा बाकी है मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है
देखने आ कोई ना किसे दासाती मैं सब था रुके देखने आ कोई ना किसे दासाती मैं सब था फिर के देखने तेरा मिलना बाकी है मैं सब मिल के देख लिया एक तेरा मिलना बाकी है मैं सब ना हो के देख लिया एक तेरा सबनों मिल के देख लिया एक
नानक तेरा मिलना बाकी मैं सब ना होके देख लिया एक तेरा जान दा वेला बना लैन तेरा आना बाकी जद जान दा वेला बना लैन तेरा आना बाकी मैं सब दा होके देख लिया इक तेरा तेरा मिलना बाकी एक तेरा मिलना बाकी एक तेरा मिलना बाकी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा शिव जी सदा सहाय
शुक्र करा मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा तूने हर पल दिया मेरा साथ गुरु जी शुक्र करा खाली न गई दरखास्त गुरु जी शुक्र करा सरकारों की सरकार गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा करा गुरु जी घर आए आज गुरु जी शुक्र करा जागे सोए हुए भाग गुरु जी शुक्र करा जो खाए तेरा प्रसाद कहे तेरा शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा तेरा प्यारा लगे दरबार गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा तूने डुगरी बुलाया आज गुरु जी शुक्र करा तेरा घर आया मुझे रास गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा दिए प्यारे से लम्हा गुरु जी शुक्र करा मिले सुखों की सौगात गुरु जी शुक्र करा मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा शुक्र करा तेरा मेरी
करा गुरु जी शुक्र करा जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
No!
शिवा